नमस्कार, टॉपिक ऑन डिमांड में आपका स्वागत है। और जो आपका नेट का फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें जो पॉइंट दिया गया है आपका बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। यहाँ पे देखा जाए तो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखा जाए रेफरेंस, अगर आपको पूछ लिया जाए रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हिंदी में आप संदर्भ कहते हैं। दूसरा आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी। फिर आपका है एक लास्ट उद्धृत कार्य। तो उद्धृत कार्य आपका क्या होता है? वर्क साइटेड, आपका जो जितने चीज़ें आपने जो कार्य किया होता है उसको अगर लिस्ट में बनाते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है? संदर्भ अर्थात कहते हैं ना कि संदर्भ जब हम हिंदी में लिखते हैं तो फर्स्ट आपका जो पैरा होता है जिसको हमें डिफाइन करना होता है, तो उसका वो कहाँ से लिया गया, किस रचयिता का है, तो अर्थात उस रचयिता ने जिसने वो पोएम लिखी होती है हम संदर्भ में उसका जिक्र करते हैं। एग्जैक्टली अगर संदर्भ की बात की जाए रिसर्च में, तो रिसर्च में भी रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन रेफरेंस मतलब क्या? जैसी की तैसी चीज़ अगर आपकी है, जैसे कोई स्ट्रेंजा है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ दिया हुआ, आपने यहाँ लिखा कि यहाँ पे हमने संदर्भ में यूज़ किया है, तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा यूज़ किया, तो इसे आप रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, अगर आपने अध्ययन किया किसी चीज़ का और कई जगह से अध्ययन किया, उस चीज़ को पढ़ा लेकिन अपने शब्दों में लिखा, उस चीज़ से ज्ञान कुछ ज्ञान प्राप्त किया, एग्जैक्टली वैसा का वैसा नहीं लिखा, बहुत सारे सोर्सों से लिखा, तो इसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथ सूची। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में अक्सर डिफरेंस पूछता है। तो रेफरेंस मतलब क्या? एग्जैक्टली अगर किसी का कथन, जैसे किसी की परिभाषा या जैसे का तैसा अगर आप लिखेंगे तो वो आपका रेफरेंस होगा। और ग्रंथ सूची में कि आप उससे रिलेटेड अन्य चीज़ों पे भी कार्य करेंगे, जैसे आपने समस्या ली है IQ की, तो जितने भी आपकी बुक्स होंगी डायरेक्टली IQ से रिलेटेड होंगी, वो आपके संदर्भ के अंतर्गत आएंगे। लेकिन IQ के लिए आपने क्या किया? बुद्धि का भी अध्ययन किया और मनोविज्ञान का अध्ययन किया, आपने संवेगों का अध्ययन किया, तो अगर अन्य चीज़ें भी आपकी जुड़ी, कहीं कहीं कई जगह से आपने इकट्ठा करके जो लिखा, जिन सोर्स का आपने यूज़ किया, तो वो सारी आपकी ग्रंथ सूची में चले आएंगे। उद्धृत कार्य भी आपका ये वैसा ही होता है, जो जो कार्य आपने उससे रिलेटेड किए, कहाँ से लिया और उसका आप विवरण देते हैं, तो उसे कहते हैं उद्धृत कार्य। ये तीनों आपके जो सबसे लास्ट आपका पॉइंट होता है रिसर्च का, उसके अंतर्गत आते हैं। जब हम पूरा रिसर्च कर लेते हैं तो हम लास्ट में क्या करते हैं, वहाँ पे हम बताते हैं कि हमने सोर्स कहाँ कहाँ से लिया। जैसे जब आप सेमिनार पेपर ये लिखते हैं अगर आप देखें, या आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो लास्ट में जहाँ जहाँ से आपने सोर्स से नॉलेज लिखी होती है वहाँ पे, तो आप उसको जिक्र करते हैं कि ये वेबसाइट, कभी कभी क्या करता है वेबसाइट की का भी हम जिक्र करते हैं, या हम आर्टिकल का जिक्र करते हैं, किसी बुक का जिक्र करते हैं, किसी के मतलब बायोग्राफी है आपकी, कुछ भी है उसका अगर जिक्र करते हैं, तो हम बताते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली, अर्थात वो हम उसका फैक्ट बताते हैं कि अगर हमने सिर्फ नहीं कहा, हमने यहाँ यहाँ इस चीज़ को देखा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में भी। अब पता चले सारा आपने मनगढ़ंत लिख दिया, आपने किसी का कोई बुक नहीं यूज़ किया, किसी का आर्टिकल यूज़ नहीं किया, कहीं वेबसाइट नहीं यूज़ की, कोई भी सोर्स यूज़ नहीं किया, कभी आप लाइब्रेरी में नहीं गए, कभी आपने रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़े, कभी आपने जितने आपके जर्नल्स वगैरह छपते हैं उसको नहीं पढ़े, तो आप कैसे मान लें कि आपने अच्छा कार्य किया? इसलिए जितना बढ़िया आपका ये रेफरेंस होता है उतना ही अच्छा आपका रिसर्च माना जाता है। ये एक दो नहीं है आपका, 20, 25, 30, आप जैसे जितना यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा सोर्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको जिक्र करना पड़ेगा। जैसे जो आपका दूसरा चैप्टर होता है रिसर्च का, तो हम जानते हैं रिसर्च का दूसरा चैप्टर अगर जो हम यहाँ पे हमारे ट्रेडिशन में है वो आपका है जो आपने संबंधित साहित्य का अध्ययन किया, कि मतलब कहाँ कहाँ से इस पे अध्ययन किया, वो जो संबंधित साहित्य होते हैं सारे, वो कहीं ना कहीं से आप लेते हैं, किसी बुक से, किसी का रिसर्च पेपर है, किसी का आर्टिकल है, तो आपने ले तो लिया, वहाँ लिख दिया कि हाँ इन्होंने ये कार्य किया, तो लास्ट में हमें उसको दिखाना पड़ता है कि ये संदर्भ है, यहाँ पे मिलेगा, इस वेबसाइट पे मिलेगा, इस बुक के इस पेज पे मिलेगा, ये बुक इतने सन में जो है प्रकाशित हुई है, तो वही सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो संदर्भ जो आपका होता है या ग्रंथ सूची होती है, ये आपके जो
शोध होते हैं उनकी सत्यता को, उनकी मतलब उपादेयता को, उनके जो उनके पीछे जो आप उनकी वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है उनके सोर्सों की, सबको बढ़ाता है। अगर संदर्भ अच्छा नहीं है तो कोई भी कितना भी अच्छा लिखे ये लगता है कि अपने से लिखा है। ठीक है, काम तो आप बहुत करेंगे लेकिन संदर्भ या ग्रंथ सूची ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है रिसर्च के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि हम संदर्भ ग्रंथ सूची जो होती है ये सब कैसे लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है तो हम इसको तीन फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको आपको याद करना है, MLA, APA और CMS। MLA क्या होता है आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये आपकी एक एसोसिएशन है उसके थ्रू लिखते हैं। APA जो हम यूज़ करते हैं अक्सर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके फॉर्मेट में ही हम लिखते हैं अक्सर। CMS क्या है, CMS में शिकागो मैनुअल आपका जो स्टाइल है उससे उसके थ्रू हम बिब्लियोग्राफी के लिखते हैं। तो शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर तीनों का फुल फॉर्म देखा जाए तो पहला का क्या है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, दूसरा क्या है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और तीसरा है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। तीन फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची हो चाहे बिब्लियोग्राफी हो, इसको हम लिखते हैं। अगर हम आगे देखेंगे कि लिखते कैसे, तो जैसे हम जब भी MLA मॉडल में देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, फिर शीर्षक लिखेंगे, प्रकाशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, स्थान जहाँ पे वो प्रकाशित हुआ, सन लिखेंगे और प्रिंट हम दिखाते हैं। जैसे SP गुप्ता की हमने सांख्य विद्या की बुक से कुछ मैटर लिया तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम उनका सबटाइटल लिखते हैं। जैसे आप कोई भी आपका नाम है, जैसे कोई भी टाइटल है, क्योंकि मैं उस पर बहुत बिलीव नहीं करती कि आपका टाइटल क्या है, जैसे गुप्ता SP, तो SP गुप्ता उनका नाम है, तो गुप्ता पहले लिखाएगा, SP बाद में लिखाएगा, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उनके जो बुक का नाम है सांख्यिकी विधियाँ, ठीक है, सांख्यिकी विधियाँ, फिर हम स्थान लिखते हैं, तो स्थान ये क्या इलाहाबाद है, तो यहाँ पर अभी प्रयागराज हो गया तो हमने प्रयागराज लिखा। फिर देखते हैं कि कौन से प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ, तो शारदा पुस्तक भवन, और लास्ट में सन, याद रखिएगा लास्ट में सन आपका किसके अंतर्गत आता है, MLA के अंतर्गत भी आता है। आप कैसे पहचानेंगे, MLA में भी लास्ट में सन आता है। तो फिर अगर आर्टिकल किसी का लिया तो आप लिखेंगे, जैसे आर्टिकल में क्या लिखेंगे, वैसे लिखेंगे, लेखक, शीर्षक, आपका पद, समय, सन, और जैसे आर्टिकल का प्रकाशित हुआ ये भी आप लिख सकते हैं, पेज कौन सा है ये भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे पूरी बुक आपने पढ़ डाली और हमने देखा, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ से लिखा आपने, तो पूरी बुक तो पढ़ेंगे नहीं, आप पेज लिख दिए 167 to 170, तब हम यह फटाक से खोज लेंगे कि हाँ ये पेज पे आपका है। तो अगर MLA मॉडल को देखें तो इस प्रकार से हम संदर्भ सूची लिखते हैं। दूसरा APA मॉडल जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले लेखक का नाम, जैसे ऊपर लिखा सन, यहाँ बी तुरंत लेखक के बाद आता है, फिर शीर्षक आता है, फिर प्रकाशन आता है, प्रकाशन का स्थान आता है, फिर आप चाहें तो पेज वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल में भी यही होता है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे हमने गुप्ता SP, अब यहाँ पे सन तुरंत बाद, फिर उसके बाद बुक का नाम सांख्यिकी विद्या, फिर प्रकाशन, ठीक है, ऊपर देखिएगा स्थान, पहले यहाँ पे प्रकाशन और स्थान जैसे था वैसे ही आपका क्या, या नीचे भी होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, पहले हम प्रकाशन लिखते हैं फिर हम स्थान के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें बस बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें सन तुरंत बाद लिखते हैं और जो आपका शीर्षक होता है उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। फिर हम देखें कि अगर आर्टिकल लिखना तो आर्टिकल में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर CMS मॉडल जब शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल मॉडल से हम जब भी लिखेंगे तो इसमें क्या करते, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें भी क्या करते, लेखक का नाम, शीर्षक, स्थान, प्रेस, ठीक है, सन, ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे गुप्ता SP, सांख्यिकी विद्या, प्रयागराज, शारदा पुस्तक भवन, आपका फिर नटसंस, ये ऐसा आपका मॉडल है जिसमें स्थान पहले लिखते हैं और प्रकाशन बाद में और सबसे लास्ट में सन। देखिए सबसे लास्ट में सन आपका ऊपर भी MLA मॉडल में था इसमें, लेकिन इसमें क्या है, ये हेर फेर है, तो हेर फेर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्टिकल है तो वो भी इसको आपको ऐसे ही इस प्रकार लिखना है। तो ये हो गया कि हम कैसे तीनों मॉडल से लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि
हमने जो भी अध्ययन किया तो उसका संदर्भ सूची लिखेंगे कैसे। अब एक है तो लिख दिया, लेकिन याद रखिएगा दो प्रकार से लिखेंगे, या तो इंग्लिश में होगा, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या हिंदी में, या आप जिस लैंग्वेज में शोध कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश आपका अल्फ़ाबेट आपको वरीयता देना है। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए है, तो ए से आने वाले आपको पहले लिखना है। अब जैसे दो ए वाले हैं तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ ए ए आ रहा है और यहाँ ए सी आ रहा है, तो ए ए वाला पहले लिखें, जैसे डिक्शनरी यूज़ करते हैं, ए सी वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जिस मॉडल से हम जैसे एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो आपने लिखा ये पहले उनका टाइटल लिखा, जैसे गुप्ता एसपी, फिर आपने ब्रैकेट लिया, उसमें सन लिखा, फिर यहाँ शीर्षक लिखा सांख्यिकी विद्या शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज पेज नंबर एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि गुप्ता एसपी के पहले अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश देख रहे हैं, तो इंग्लिश में जी के पहले आपके जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ तक जितने भी आपके होंगे, टाइटल जैसे गुप्ता, उसका मतलब नाम से नहीं देख रहे हैं आप, उनके उपनाम को देख रहे हैं, उपनाम को देख के आपको इस प्रकार से लिखना है। दूसरी चीज़, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को यूज़ करें, या तो हिंदी के अल्फ़ाबेट को यूज़ करें, किसी से भी यूज़ करें, लेकिन आपको सीक्वेंस में लिखना है। अब जैसे आप हिंदी यूज़ करेंगे तो क ख ग, इसके पहले क्या आ ई ओ, इस प्रकार से आप एक सीक्वेंस से लिखते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं, तो एक साइड हमने क्या कर लिया, एक साइड हमने बुक्स का लिख लिया, ठीक है, फिर उसमें हम लोग आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे ली, अगर हम वेबसाइट लिखते हैं तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं वेबसाइट, उसके नीचे हम वेबसाइट डालते हैं। अब याद रखिएगा वेबसाइट में क्या करना है आपको, वेबसाइट जब भी यूज़ करेंगे तो वेबसाइट में जैसे आपने यहाँ लिखा वेबसाइट, ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है वेबसाइट, इसमें भी अल्फ़ाबेट देखेंगे। अब देखें, अब इसमें आप लिखते हैं www.google.com, ये कभी वेबसाइट नहीं, ये क्या है आपका गूगल सर्च इंजन है। हमारी वेबसाइट क्या होगी, जैसे शोध गंगा इन्फिबनेट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वेबसाइट आपका MHRD माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो वेबसाइट है, ये आप ले सकते हैं, NCERT की वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट। अब वहाँ क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा जब भी वेबसाइट लिखें तो उसमें आप पहले तो अल्फ़ाबेट देखेंगे, कोशिश करिएगा पूरा एड्रेस जो आपका एड्रेस बॉक्स में होता है, जैसे HTTP फिर ऐसे करके, मतलब पूरा ऐसा लिखिए कि उसको, अगर वो फॉर्मेट ऐसा हो कि कोई सॉफ्ट में देख रहा हो, सॉफ्ट और हार्ड दो कॉपी होती है आपको पता है, हार्ड में आपका पेज पे होगा, सॉफ्ट में आपके कंप्यूटर में होगा, तो जैसे उस सॉफ्ट में अगर आप ऐसे लिंक लिखेंगे तो वो नीले नीले कलर का आता है, उसको छूते ही वो क्या करेगा, वो वहाँ पे डायरेक्ट उस साइट पे चला जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, जैसे कि आज आपका आर्टिकल ये लिखा है, कल को उसने बदल दिया, तो आप कहेंगे हम तो पढ़े थे तब ये था, तो आप क्या करिए यहाँ पे रिट्राइव्ड मतलब कब किया, समय के साथ डेट डाल दें कि हमने इस दिन इसको देखा था, ताकि उस दिन वाले डेट के थ्रू हम उस चीज़ को फिर से आइडेंटिफाई कर दें। तो ये आपका तरीका होता है संदर्भ ग्रंथ सूची या ग्रंथ सूची लिखने का। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब क्या टर्म होते हैं रिसर्च में और क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो तीन फॉर्मेट मैंने आपको बताया, MLA APA और CMS, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जगह सर्च भी कर सकते हैं कैसे आपको करना है और किस प्रकार से इसको अध्ययन करना है, जो भी आपको संशोधन करना है आप कर सकते हैं इसमें, ध्यान से एग्जांपल के थ्रू देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा।